सो वेलकम बैक अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइस डी सूज़ा की एक फेमस पोयम एडवाइस टू वुमेन को। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इसी पोयम का सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल को डिस्कस करेंगे, और एज वेल एज जैसा कि सेकंड क्वेश्चन मेंशन है कि जो पोएटेस है वो वुमेन को क्या एडवाइस देती हैं और क्यों देती है, उस चीज़ को भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड व्हाट एडवाइस डज द पोएट वॉन्ट टू गिव टू द वुमेन एंड वाई, ये दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर वो सेम ही होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एडवाइस टू वुमेन है ये एक मोस्ट रिनाउड और मोस्ट फेमस पोयम है यूनाइस डी सूज़ा का, जो कि एक नॉवेलिस्ट है और एक क्रिटिक्स भी रह चुकी हैं। ये जो पोयम है एडवाइस टू वुमेन, इसको सबसे पहले 1994 में पब्लिश किया गया था और एक पोएट्री कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया था जिसका नाम था सेलेक्टेड एंड न्यू पोयम्स। इसी पोएट्री के कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया था। जो पोएटेस है यूनाइस डी सूज़ा वो वुमेन को इनकरेज करती हैं कि वो अपना रिलेशनशिप जो है उसमें वो एक आइसोलेशन लाए, मतलब अपने रिलेशनशिप में जो है वो एक अकेलापन लाए, अलोननेस लाए, आइसोलेशन लाए। और इस ये चीज़ भी दिखाती हैं कि किस तरह से जो वुमेन हैं उनको सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, और वो सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्चल सोसाइटी रहती है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरह से वुमेन को ट्रीट किया जाता है उसको भी इस पोएम में दिखाया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टाइटल है वो किसी भी क्रिएशन का सोल होता है और उसी टाइटल के इर्द गिर्द ही पूरी जो चीज़ है वो घूमती रहती है। तो यहाँ पे जो टाइटल है एडवाइस टू वुमेन, ये काफ़ी सूटेबल है इस पोयम के लिए, क्योंकि इस पोयम में हम लोग बेसिकली यही देखेंगे कि जो पोएटेस है यूनाइस डी सूज़ा वो वुमेन को क्या एडवाइस देती है। पोयम का नाम ही है एडवाइस टू वुमेन, यानी कि वुमेन को वो कुछ एडवाइस देती है, और उसी एडवाइस वो हम लोग इस पोयम में देखेंगे और क्यों देती है ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो वुमेन को पहला एडवाइस देती हैं कि जो वुमेन है उनको अपने जो लवर का रिजेक्शन है उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर वो एडवाइस देती है। ये रोमांटिक रिजेक्शन क्या है? तो रिजेक्शन मीन्स होता है कि अगर उनका लवर जो है उनको अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उनका केयर नहीं कर पा रहा है, तो इसके जो है अगेंस्ट में जो वुमेन है उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इसी चीज़ को जो है वो पोएटिस ने यहाँ पर दिखाया है। सो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक मेटाफोर का यूज़ किया है, और इसी मेटाफोर के द्वारा वो दिखाती हैं कि किस तरह से एक पर्सन का जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप हम लोग कह सकते हैं, उसको उन्होंने एक कैट से जो है उसका तुलना की है यहाँ पे जो लेखिका हैं, और उसी कंपैरिजन के द्वारा उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि कैसे वुमेन को रिएक्ट करना चाहिए। तो वो सबसे पहले जैसा कि उन्होंने कैट को एज अ मेटाफोर यूज़ किया है, तो वो बताती हैं कि जो कैट है वो बहुत ही नीडी एनिमल है, प्लस ये एक ऐसी एनिमल है जिसका जब मन चाहे ये आती है और जब मन चाहे ये चली जाती है। ये सारी चीज़ें जो इसके खुद के ऊपर होता है, इसको बहुत रेयर ही आप इधर उधर देखिएगा घूमते रहती हैं, और ये अपनी इच्छा के अनुसार घर में आती है और इच्छा के अनुसार घर से चली जाती है। और यहाँ तक कि ये जो कैट है वो अपने जो उनके एनिमीज़ होते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, उनसे उनको उतना मतलब नहीं रहता है, वो उनके तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं देती है। सो जो यूनाइस डी सूज़ा हैं उनका मानना है कि वुमेन को भी बिल्कुल इसी तरह सेम वे में और सिमिलर वे में ट्रीट करना चाहिए अपने हस्बैंड्स को, एंड जो है अपने लाइफ को भी बिल्कुल ही ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, या फिर अपनी लाइफ को बिल्कुल सिमिलर वे में उनको बनाना चाहिए। जिस तरह से जो कैट है वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देती है, वो जब उसकी इच्छा करता है वो आती हैं वो जाती हैं, एंड जो है वो अपने एनिमीज़ के लिए उतना लेकर के वो परेशान नहीं रहती है, उनको जस्ट इग्नोर करती है, तो ठीक उसी तरह से वुमेन को भी बनना चाहिए। तो ये जो पोयम है वो सबसे पहले एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ को दिखाती है कि हमारा जो लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए उसको दिखाती है, और वुमेन का रिएक्शन को दिखलाती है कि जब जो उनका लवर उनको रिजेक्ट करता है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, इसको भी दिखाती हैं। सो जो पोएटेस है इस चीज़ को दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया उन्होंने कैट को सिग्निफाई करके इस चीज़ को दिखाया है, तो सबसे पहले वो कैट का एग्जांपल लेती हैं और बताती हैं कि किस तरह वो बताती है कैट के एग्जांपल के द्वारा कि जो वुमेन हैं उनको अपने लवर का जो बिहेवियर होता है, चेंजेबल बिहेवियर होता है, उससे डील करना उतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वह कहती हैं कि अगर उनका जो लवर है वो उन्हें नेग्लेक्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उनसे जो है लव नहीं करता या उनका केयर नहीं करता है,
बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो किसी काम में एक बिजी हो। सो अगर जो लवर है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो भी वुमेन है उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हस्बैंड का जो बिजी शेड्यूल है, जो उनके लवर का बिजी शेड्यूल है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो इसी चीज़ को जो यूनाइस डिस्यूज़ा है उन्होंने इसमें दिखाया है। नेक्स्ट वो वही बताती हैं कि अगर हम इन छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करने लगेंगे तो जो उनका रिलेशनशिप है वो शॉर्टली जो है वो श्योरली टूटेगा ही टूटेगा। तो वही बोलती है, वो वुमेन को एडवाइस देती हैं कि वो अपने लवर्स के अटेंशन का थोड़ा वेट करें। जिस तरह से जो बिल्ली है, जो कैट है, वो कहीं भी रहे घूम फिर कर जो है अपने घर में आ ही जाती है जहाँ उनका ठिकाना है, ठीक उसी तरह से जो उनका लवर है वो एक कभी ना कभी उनके पास वापस आ ही जाएगा। कभी ना कभी नहीं बोलेंगे, जब वो बिजी शेड्यूल से उनको जो है मिलेगा छुट्टी, तो वो वापस उनके पास आ ही जाएंगे। तो इन छोटे बच्चे बातों पे वो वुमेन को लड़ना नहीं चाहिए कि वो उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा है। सो जो है वो वुमेन को एडवाइस देती है कि इस मोमेंट पे उनको जो है जस्ट वेट करना चाहिए अपने लवर्स के आने का। और एक वो ये भी बताती हैं कि जो बिल्लियाँ हैं वो खिड़कियों से, जिस तरह से आदमी करते हैं, वुमेन करती हैं, इंसान करते हैं, वो खिड़कियों से दूसरों को गालियाँ देती हैं, अपने दुश्मनों को गालियाँ देते हैं, लेकिन जो कैट है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो बिल्कुल भी उन जो खिड़की पर जो आदमी गाली देते हैं वैसे बिल्ली बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, अपने दुश्मन जो उसके रहते हैं वो उनको बिल्कुल क्या करती है, इग्नोर करती है, और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो जो ये उनका बिहेवियर है वो दिखाता है कि वो कितना कूल है, कितना इनडिफरेंट एटीट्यूड वाली है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो यूनाइस डिस्यूज़ा हैं वो वुमेन को बोलती हैं कि उन्हें भी ठीक कैट की तरह ही कूल और पेशेंस प्लस इनडिफरेंट एटीट्यूड्स रखना चाहिए अपने इनमीज़ की तरफ या फिर दूसरे लोगों की तरफ, और दूसरों को बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना उनका ही रिलेशनशिप क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। सो इसीलिए जो है वो बिल्ली की तरह यानी कि कैट की तरह बिहेवियर वुमेन को पोजेस करने के लिए कहती हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो बिल्कुल क्लियरली ये बताता है कि वुमेन को क्या फॉलो करना चाहिए और क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ये जो टाइटल है वो एक वुमेन सेंट्रिक पोयम है, जहाँ पे जो पोएटिस है वो रीडर्स के अटेंशन को अपनी तरफ खींचती हुई कहती हैं कि लाइफ में जो पेन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, ये जनरल है। इस चीज़ को ले करके आप अपने जो भी लवर हैं उनसे आप जो है वो झगड़ा मत करिए, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है। प्लस वो जो है वो दूसरों की बातों पे ध्यान ना देने के लिए भी वुमेन को एडवाइस करती हैं, और प्लस जो है वो कैट की तरह बिल्कुल कूल और पेशेंस और इनडिफरेंट जो बिहेवियर है उसे अपनाने के लिए वुमेन को एडवाइस देती है। तभी एक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग बन सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएटिस। सो ऊपर कही गई बातों को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोयम का टाइटल है एडवाइस टू वुमेन, ये बिल्कुल सूटेबल है एंड परफेक्ट है और एक्यूरेट है इस पोयम के लिए। सो द टाइटल इज़ परफेक्टली जस्टिफाइड। सो आई होप आप लोगों को जो है इसके आंसर समझ में आ गया होगा। अगर किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो सो प्लीज़ कमेंट में, मैं उसको जो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।